हेलो क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12B। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 23 रुपीज़ 50 पैसे को हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? आप इसे चाहे तो 11 डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको 13 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट 13 से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट 13 से बता रही हूँ आपको, 13 का टेबल हमने किसी भी टेबल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को, तो आंसर आएगा 0। 9 13 5 65, ये हो गया 6, कैरी गया 5 लिख लिया हमने। फिर 13 3 39, 39 प्लस 6 होता है हमारा 45। 13 2 26, 26 प्लस 4 हो गया 30। यहाँ देखिए 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और यहाँ रुपीज़ का साइन। क्लियर? तो इस तरह से आप डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको बेटा डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। 13 से मल्टीप्लाई करना है, 11 डिजिट से आप करिए। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। 3 5 15, 1 कैरी 5 हमने यहाँ लिखा। 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 3 2 6 प्लस 1 7। यहाँ हमने 3 की डिजिट सॉल्व कर ली, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया। नाउ फिर अब 1 से करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 3 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 3 1 3, 2 1 2। अब सबको क्या किया जाता है, प्लस प्लस करेंगे। 0 5 5, 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। यहाँ देखिए 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ रुपीज़ का साइन। क्लियर? देखिए बेटा, हमने दोनों ही मेथड से किए तो आंसर हमारा राइट आया है। तो इसी तरह से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको जैसे डबल डिजिट है, अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप 11 डिजिट से भी कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, शीना इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी एट हर होम। शीना ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा है अपने घर पर। शी एंड हर हस्बैंड वेंट टू द मार्केट टू बाय सम आइटम फॉर द पार्टी। वो और उसके हस्बैंड मार्केट गए हैं पार्टी का कुछ सामान लेने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ए, शी वेंट टू द बेकरी टू ऑर्डर अ केक फॉर द पार्टी। सबसे पहले वो कहाँ गए हैं, बेकरी गए हैं, किस लिए, केक को ऑर्डर करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ चॉकलेट केक वॉज 955 रुपीज़ 50 पैसे। वहाँ उन्होंने 1 किलो चॉकलेट केक का ऑर्डर किया है, जिसकी प्राइस क्या थी, 955 रुपीज़ एंड 50 पैसे। शी ऑर्डर्ड फॉर अ 5 kg केक, और वहाँ उन्होंने कितने किलो केक का ऑर्डर दिया है, 5 kg केक का। What is her bill amount? तो उसका बिल कितना बनेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg केक। 1 kg केक का प्राइस यहाँ पे कितना है, 955 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ये 1 kg केक का प्राइस है। सो उसने ऑर्डर कितना किया, शी ऑर्डर इज इक्वल टू 5 kg। शी ऑर्डर केक इज इक्वल टू 5 kg। उन्होंने 5 kg केक का ऑर्डर किया। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, हमें 1 kg का पता है, 5 kg का निकालना है। तो बेटा जब इस तरह के होते हैं कि जहां हमें एक की प्राइस पता होती है और ढेर सारी की, एक से ज़्यादा, ढेर सारी मतलब एक से ज़्यादा की प्राइस अगर निकालनी होती है, तो वहां हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 955 रुपीज़ को 50 पैसे को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व। इसी तरह से देखिए बेटा, आपके इसी से रिलेटेड आपके बी सी और डी ये भी क्वेश्चंस को आपको करना है। शी बॉट 25 पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स विथ ईच पैकेट कॉस्ट। उन्होंने 25 पैकेट्स पोटैटो चिप्स खरीदे जिसमें एक पोटैटो चिप्स की प्राइस है 42 रुपीज़ 25 पैसे। तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द चिप्स, तो उस पूरी चिप्स का प्राइस क्या होगा। तो आप 42 रुपीज़ 25 पैसे को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम उसी तरह से सी और डी में भी है, सब में हमें मल्टीप्लाई ही करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है, ये आप लोग खुद से करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर अभी फिफ्थ एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया है, वीना परचेज 7 कॉपीज ऑफ अ स्टोरी बुक टू गिफ्ट हर फ्रेंड्स। वीना ने 7 स्टोरी बुक की कॉपीज खरीदी है, किस लिए, अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ ईच कॉपी इज, अगर एक कॉपी का प्राइस 45 रुपीज़ 50 पैसे है, ठीक है, तो 7 कॉपीज़ का कितना होगा। पहले हम यहाँ इतना सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्टोरी कॉपी इज इक्वल टू रुपीज़, कितने रुपीज़ की है, 45 रुपीज़ 50 पैसे। और इस तरह से उसने कितनी कॉपियाँ खरीदी, तो टोटल कॉपीज़ इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 रुपीज़ 50 पैसे को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 700, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 5 45 7 5 45 45 + 4 49, 7 4 28 28 + 4 32। तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 मीन्स 47 कॉपीज़ का प्राइस क्या होगा, 329 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शी पेड 1000 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। उसने क्या किया, 1000 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए, विल शी गेट एनी चेंज। तो बताइए क्या शॉपकीपर उसे बदले में कोई पैसे वापस करेगा, इफ येस देन हाउ मच, अगर हाँ तो कितना। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसने शी और वीना गेव रुपीज़, कितना, 1000 रुपीज़ वीना ने दिया। सो टोटल यहाँ पे जो टोटल या टोटल कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज़ कितना है, 329 रुपीज़ 50 पैसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस 1000 रुपीज़ में से 329 रुपीज़ एंड 50 पैसे को माइनस करेंगे। यहाँ देखिए बेटा, मैंने किस तरह से लिखा है, 1000 रुपीज़ में है, यहाँ पैसे कुछ नहीं है, तो पैसे हम 0 0 पॉइंट लगा के बढ़ा देंगे। और यहाँ 329 रुपीज़ दिया है और 50 पैसे हैं, अब हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए 0, ठीक है। अब हम इससे 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो बोरो लेंगे, अब इससे बोरो लेंगे, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास भी कुछ नहीं, इसके पास, फिर ये बोरो लेगा सबसे, तो ये इसको बोरो देगा, ये 10 हो गया, फिर ये बोरो दिया 9, इसको दिया 10 हो गया, इसने फिर इसको बोरो दिया, इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 बचा, फिर इसने इसको बोरो दिया, इसके पास 10 हो गए, इसके पास 9 बचा, तो 10 में से 5 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 9 0, 9 में से 2 7, 9 में से 3 6, तो कितने रुपीज़ उस शॉपकीपर ने वापस किए, 670 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर। तो इसी तरह से बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो बेटा यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।